नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। और दोस्तों 1954 गीता दत्ता जी का गाया हुआ फिल्म आर्या पार का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग बाबूजी धीरे चलना प्यारे में जरा संभलना, इसका जो ओरिजिनल स्केल है वो है यहाँ पर तीसरी वाइट यानी ई। और यहाँ से मैं अगर सुरों की बात करूँ तो देखिए इसमें गा कोमल का यूज हुआ है, बाकी सुर हैं वो शुद्ध हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँ तो सा एक छुड़ करके रे गा कोमल, ठीक है, यानी कि तुरंत बाद में गा कोमल, फिर हमारा मा शुद्ध, फिर पा, फिर उसके बाद में धा शुद्ध एक छुड़ करके, एक छुड़ करके नी शुद्ध और तार सप्तक का सा, शुद्ध स्वर है। और उसी अंदाज में हम पीछे आएंगे यानी मंत्र सप्तक में नी शुद्ध धा शुद्ध और पा पा ध नी सा। तो देखिए इसमें किस प्रकार का अंदाज है, मैं एक बार आपको प्ले करके बताता हूं। ये मेरा सागापा है, नीचे के मैं जाऊंगा यहां सर नी धा पा से, ये हमारे अस्थाई का अंदाज है। तो इसमें देखिए बहुत आसान पैटर्न है, अच्छे से आप देख लेंगे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये सागापा लिया, गा कोमल है, ठीक है, और यहां से मैं जाऊं बाबूजी धीरे चलना पधनी सारे गा गा, गा के ऊपर डबल है बाकी सिंगल सिंगल है, पधनी सारे गा गा बाबूजी धीरे चलना प्यारे में रे माँ प्यारे में जरा संभलना, रे माँ रे माँ रे गारे सा। वापस देखिए बाबूजी धीरे चलना प्यारे में जरा संभलना, सीधा पापर हो हाँ बड़े धोखे हैं पागा मादा पापा पा, हाँ बड़े धोखे हैं, और फिर द पा से मैं जाऊंगा सीधा रे पर, बड़े धोखे हैं इस राह में रेगा मारेगा मारेगा रे सा। स्लोली देखिए हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना, ठीक है। मैं अस्थाई को एक बार वापस प्ले कर देता हूँ एक मीडियम स्पीड में। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें अंतरा की। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते यहाँ पे हल्का सा गा शुद्ध का यूज हुआ है, देखिए किस प्रकार से है। देखिए बिल्कुल स्लोली, और यही चीज अगली बार रिपीट होगी फिर थोड़ा सा वेरिएशन लेकर के, लगभग वैसा ही पैटर्न है। और उसके बाद में वही पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो देखिए अंतरा में क्या है,
फिर अगला जो पैटर्न है मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए, बाबूजी धीरे करिएगा दोस्तों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कैसा लगा प्रयास कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।